हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। जाने इन पांच पौधों का पैसों से क्या है कनेक्शन, जिन्हें लगाते ही चमक उठती है किस्मत। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत से पैसे हो, जिससे वो अपने सारे शौक पूरे कर सके। लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं रह जाती हैं अधूरी। अगर आप भी बनना चाहते हैं धनवान तो अपने घर में लगाएं ये पौधा, हमेशा घर में रहेगा लक्ष्मी का वास। जी, इसका नाम है क्रिसुला ओटावा, क्रिसुला ओवाटा। पौधे को घर में लगाने से घर में धन का आगमन होता है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ये पौधा आपके घर में धन को आकर्षित करता है, इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है। जी हाँ, इसका नाम है क्रिसुला ओवाटा। आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और बड़ी खबर, मनी प्लांट। कहते हैं कि मनी प्लांट को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और ये भी पैसों को घर में लेकर आता है और परिवार के लोग खुशहाल रहते हैं। इसे घर में सही दिशा में लगाना चाहिए, मनी प्लांट व आग्नेय दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में गणेश जी का वास होता है। लक्ष्मण का पौधा। कहते हैं कि लक्ष्मण के पौधे को घर में लगाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसे घर में बालकनी में किसी बड़े गमले में गड़ा दें, लगा दें, तो घर में आपके सुख समृद्धि पैसा सब आएगा। कहते हैं अगर किसी घर में लक्ष्मण का पैसा होता है, लक्ष्मण का पौधा होता है, तो उस घर में धन आना शुरू हो जाता है, तो उसमें धन की वर्षा शुरू हो जाती है। फिर है केले का पेड़। हिंदू धर्म में केले के पेड़ का बहुत महत्व है। कहते हैं केले के पेड़ को घर में लगाने से समृद्धि आती है, इसमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास होता है। केला बृहस्पति देव का कारक है, इसे घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हमारे आंगन की शोभा को बढ़ाता है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता सेवन करें, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। कैसी लगी खबर कमेंट करके जरूर बताएं।